लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. तो क्या है ये टॉपिक, इसको देखते हैं फिर समझ आ जाएगा. कोल एंड पेट्रोलियम ये फॉसिल फ्यूल्स हैं दैट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ इयर्स एगो टू गेट कन्वर्टेड इन दीज फ्यूल्स. तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे मैंने आपको समझा दिया है लास्ट लेक्चर्स में कि कैसे वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन टू फ्यूल्स दैट आर कोल एंड पेट्रोलियम. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. तो इनके जो reserves हैं वो क्या है? Limited है, इसलिए कुछ सालों बाद तो ये खत्म ही हो जाएंगे जिस तरीके से आजकल हम इनका use कर रहे हैं. Moreover, burning of these fuels is the major cause of air pollution. तो इनको जब आप burn करते हैं तो इससे क्या दिक्कत होती है कि air जो है वो हमारी pollute होती है, तो air pollution होता है. और अगर air pollution होता है तो फिर क्या होती है हमारी ultimately यहाँ पे? ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी तो लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी. इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इट हैज एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग. देयर टिप्स आर ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड अ मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. मतलब आप एक प्रॉपर सेम स्पीड पे, कॉन्स्टेंट स्पीड पे या कम स्पीड पे, मतलब एक मॉडरेट स्पीड बना के रखें, ना ज्यादा ना कम, उस पे जितना हो सके उतनी दूर तक चलाएं. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. तो जहां पे भी आपको वेट करना पड़े या ट्रैफिक लाइट्स पे अपने स्विच को, मतलब अपने जो कार है, बाइक है, उसको ऑफ कर दें. आपका जो टायर का प्रेशर हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए. आपके जो व्हीकल है उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए, ज्यादा वो पॉल्यूशन ना करते हो. तो ये सब कुछ मेजर्स हैं जो PCRA ने दिए हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखें, उसके पोल्यूशन को, उसको पोल्यूशन से बचा सके. थैंक यू.